प्लेस पर भी इसको फिफ्थ प्लेस पर लाया है। हम भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। लगभग लगभग 10 करोड़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत विश्व में नंबर 2 पर है। एविएशन मार्केट में विश्व में 3रे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल मार्केट में विश्व में 3रे नंबर पर है। स्टार्टअप में विश्व में 3रे नंबर पर है और रिन्यूएबल एनर्जी में विश्व में 4थे नंबर पर है। कांग्रेस वालों, सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल रही, आपने क्या किया इसका हिसाब किताब लेकर आइए और हमारे 9 साल के साथ कंपेयर कीजिए। आपके 60 साल एक और मोदी जी के 9 साल एक और, हमारा पलड़ा भारी रहने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ जरा उडीपी वालों, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए अंत तक, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के प्रश्न को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने कोर्ट का जजमेंट लाया और कोर्ट का जजमेंट आते ही राम मंदिर की नींव रखने का काम मोदी जी ने कर दिया। और मैं कहकर जाता हूं 2024 में अयोध्या में उसी जगह जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं पर श्री राम का भव्य मंदिर बनने का काम समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। मोदी जी ने नारायण गुरु के स्मृति में नारायण गुरु आवासीय विद्यालय की स्थापना की घोषणा की। मोदी जी ने बद्रीनाथ केदारनाथ को नए सिरे से बनाने का काम किया। पेंजावर मठ के स्वामी श्री विश्वेश सिद्धांत स्वामी जी की स्मृति में स्मृति वन की भाजपा ने आधारशिला रखी और कई सारे सांस्कृतिक उत्थान के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उडीपी में मछली पकड़ने की बंदरगाह का शिलान्यास किया। उडीपी के बेंदूर तक बंदरगाह के दूसरे चरण के निर्माण की शुरुआत की। मत्स्य सरी योजना के तहत गहरी समुद्र की सतह में मत्स्य पालन करने वाली 100 नौकाएं दी गई। लगभग लगभग मछली पकड़ने वाले 1000 मछुआराओं को 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। कोरोना के दरमियान 19,000 मछुआरों को मुआवजे के रूप में बड़ी राशि दी गई। 1530 करोड़ की लागत से बेंदूर में गंगोली तटीय बर्थ बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सी प्लेन को लाए। सिद्धापुर ड्रीप इरिगेशन योजना बनाई। सौकुर सिंचाई योजना बनाई। और सुपारी बाहर से आ रही थी तो सुपारी के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगाकर कर्नाटक के किसानों को सुपारी के दाम मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। विभिन्न राजमार्ग की परियोजनाओं में नेशनल हाईवे में उडीपी में 3000 करोड़ का शिलान्यास मोदी जी ने किया। उडीपी जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन किया और कर्नाटक को 5 साल में 2,26,418 करोड़ रुपया दिया। 2,26,418 करोड़ रुपीस कर्नाटक को दिया। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धरमैया जी को, जब आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने
सिर्फ 99,000 करोड़ दिए थे, मोदी जी ने 99,000 से बढ़ाकर 2,26,418 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप कर्नाटक को सुरक्षित नहीं कर सकते, कर्नाटक का विकास नहीं कर सकते, कर्नाटक को ग्रांट नहीं दे सकते, और आपको कर्नाटक में सरकार बनानी है। कर्नाटक की जनता आपको क्यों वोट दी? ये कोस्टल कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, गढ़। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, रात में बेंगलुरु भी हूं, मैं आज कोस्टल कर्नाटका के मतदाताओं को विनंती करने जाता हूं, गढ़ होने से कुछ नहीं होना। इस बार कोस्टल कर्नाटक में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को न मिले, ऐसा प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी का करिए, और मित्रों तभी जाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। ये जेडीएस को वोट का मतलब मालूम है ना? लास्ट टाइम कर्नाटक की जनता ने जेडीएस को 35 सीटें दी, काउंटिंग के दीदी देवगौड़ा जी और कुमार स्वामी जी कांग्रेस की गोदी में बैठ गए और पूरा वोट कांग्रेस के चरणों में डाल दिया। जेडीएस को वोट का मतलब है कांग्रेस पार्टी को वोट। जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है। आप सभी लोगों को मैं विनंती करने आया हूं, अगर कांग्रेस नहीं चाहिए तो जेडीएस को वोट देने से नहीं चलेगा। कांग्रेस नहीं चाहिए तो वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी को, कमल के निशान को दीजिएगा। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। माताओं भाइयों बहनों सभी सभी कैंडिडेट जरा आगे आ जाओ, तो दोनों हमारे दोनों कैंडिडेट आपके आशीर्वाद के लिए जरा जोर से ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए उनको। जोर से ताली बजाइए इनके लिए। मुझे बताइए हमारे सभी कैंडिडेट को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? हाथ ऊपर कर बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।